शांति से, बड़े ही प्यार से, बड़े ही आराम से और सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं तुरंत। तो देखिए, अब सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो जीन पियाजे जी का बर्थ हुआ वो हुआ 1896 में और जो इनकी डेथ हुई वो हुई 1980 में। अब ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि भाई ये आपके एग्जाम में आएगा, जी नहीं, इनका जो बर्थ ईयर है और जो डेथ हुई तब का जो ईयर है, जो इनका लाइफ स्पैन है, वो कभी भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन जो आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है वो ये समझना है कि जो ये बातें कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं लगभग हमारे दादाजी के टाइम की। दादाजी के टाइम मतलब जब हमारे दादाजी बच्चे रहे होंगे उनके बात कर रहे हैं ये, ठीक है। सॉरी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और दैट्स वाई मैंने ये कहा कि आपको ये समझ के चलना है कि जो ये बातें कर रहे हैं ये उस समय के बच्चों के हिसाब से बातें कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप आज के बच्चों से कंपेयर करेंगे तो आज के बच्चे कॉग्निटिवली कंपैरेटिवली ज़्यादा डेवलप होते हैं पहले से। ओके, तो जैसा कि कहा जाता है ना कि भाई बच्चे तो पहले पैदा होते थे, आजकल तो बाप पैदा होते हैं, ठीक है। तो आपने भी बड़ा एक देखा होगा कि भाई आजकल जो बच्चे होते हैं बड़े स्मार्ट होते हैं, ठीक है। तो जस्ट आप इन चीज़ों को समझेंगे कि जीन पियाजे ने क्या कहा है, हमें वहीं तक सीमित रहना है, उसके बाहर नहीं जाना है। जी जय हिंद गगन जी, कैसे हैं सर आप जी। चलिए उसके बाद जी, कमेंट भी नहीं दिख रहे हैं शायद जी, बिल्कुल दिख रहे हैं मुझे, मैंने सभी को गुड इवनिंग बोला है, ठीक है। वॉइस आ रही है ना, अब आ रही है जी। चलिए, अगर आ रही है तो प्लीज कंफर्म करेंगे। पूजा कौशिक जी ने कहा आ गई आवाज, तो चलिए शाबाश, स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, देख लीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। तो अगर हम इनका बेसिक से जान लेंगे कि भाई ये क्या थे, कौन थे, क्यों किया, क्या किया, तभी हम इनके सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे हमारे जीन पियाजे जी, और इन्होंने दो चीजों पर काम किया। द वेरी फर्स्ट थिंग इज हाउ नॉलेज इज क्रिएटेड, कि जो ज्ञान है उसका निर्माण कैसे होता है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज हाउ नॉलेज इज क्रिएटेड, भाई जो ज्ञान होता है, जो भी हम चीजें सीखते हैं, जो कि आज आप अभी इस समय भी सीख रहे हैं, तो वो कैसे सीख रहे हैं, ये बताया किसने, जीन पियाजे ने। एक तो चीज ये, एंड इसी चीज को क्या कहा गया इसमें, इसको कहा गया जेनेटिक एपिस्टीमोलॉजी। देखिए ये एक टर्म है जो कि एग्जाम में बनी है, यहां पर क्या कहा गया है, जेनेटिक एपिस्टीमोलॉजी, मतलब ज्ञान की उत्पत्ति। मतलब जीन पियाजे ने बताया कि ज्ञान की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि हाउ नॉलेज इज क्रिएटेड, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में आता है कि जेनेटिक एपिस्टीमोलॉजी का कॉन्सेप्ट किसने दिया, देन योर आंसर अगेन विल बी जीन पियाजे। ओके जी, राजू कुमार जी, गुड सर जी, थैंक यू राजू भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, एक तो इन्होंने कहा कि भाई हाउ नॉलेज इज क्रिएटेड, ज्ञान का निर्माण कैसे होता है, एंड द सेकंड थिंग जो इन्होंने बताई वो क्या बताई, कि भाई हाउ इट डेवलप्स, कि जो ज्ञान है निर्माण तो हो गया, उसके बाद में इसमें चेंज कैसे आता है, ये कैसे बढ़ता है, है ना, इसका विकास कैसे होता है, ये भी इन्होंने ही बताया। जी हाँ, गुड इवनिंग राजू कुमार जी, ठीक है। तो चलिए जी आगे चलते हैं, पहली बात हम आज ये समझेंगे कि भाई ज्ञान का निर्माण कैसे होता है, एंड आफ्टर दैट वी विल लर्न कि ये डेवलप कैसे होता है। चलिए समझते हैं। अब देखिए जी, पहली बात मैं आपको बताऊं कि ये जो बच्चे हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे से, ये जीन पियाजे जी के भी ऐसे ही तीन बच्चे थे, ठीक है जी, जीन पियाजे के तीन बच्चे थे, ठीक है। अब हुआ क्या, इनको क्या था कि भाई इनको था कि भाई मुझे इन बच्चों के बारे में जानना है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करना शुरू किया, इनका डेवलपमेंटल रिकॉर्ड रखना शुरू किया। डेवलपमेंटल रिकॉर्ड मतलब कि जैसे जैसे ये डेवलपमेंट करेंगे वैसे वैसे मैं इनका रिकॉर्ड रखूंगा, ठीक है जी। तो मान के चलते हैं कि जब इनका पहला बच्चा हुआ, फर्स्ट बेबी हुआ, तो इन्होंने देखा कि भाई जब दो महीने का था तब इसको क्या आता था, कितना आता था, आफ्टर दैट जब छह महीने का हुआ तब इसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, जब एक साल का हुआ तब कितना हुआ, दो साल का हुआ तब क्या क्या इसमें चेंजेज आए, वो सारा इन्होंने एक रिकॉर्ड रखा। आफ्टर दैट जब इनका हुआ सेकेंड बेबी, सेम किया इन्होंने कि भाई कैसे कैसे ये डेवलप कर रहा है, जैसे जैसे ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऐसे इन्होंने डेवलपमेंट किया, मतलब डेवलपमेंट का रिकॉर्ड रखा। और सेम किया इन्होंने थर्ड बेबी के साथ, ठीक है। तो तीनों बच्चों का इन्होंने क्या रखा, डेवलपमेंटल रिकॉर्ड रखा,
ठीक है जी। और तीन बच्चे थे, मतलब उस समय पे योगी जी की सरकार वहां पे नहीं थी, नहीं तो वो दो बच्चों का कानून बना देते, ठीक है। तो उस समय पर नहीं थी, तो तीन बच्चे हुए और तीनों का इन्होंने रिकॉर्ड रखा। और ये जो रिकॉर्ड रखा, इन्होंने क्या पाया कि जो तीनों की ही डेवलपमेंट थी, जो तीनों की ही डेवलपमेंट थी, वो कहीं ना कहीं एक सिमिलर पैटर्न को फॉलो कर रही थी, एक समान प्रतिमान के हिसाब से तीनों ही डेवलप हो रहे थे। और इन्हीं तीनों बच्चों की डेवलपमेंट को आधार बनाकर उन्होंने क्या किया, अपनी एक थ्योरी दी। और उस थ्योरी का नाम क्या था, जी हाँ, कौन बताएगा उस थ्योरी का नाम, जीन पियाजे की थ्योरी का नाम क्या था? शाबाश, जल्दी से देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। जीन पियाजे की थ्योरी का नाम क्या था भाई? शाबाश, वेट कर रहा हूं मैं आपका आंसर। जी हाँ, इनकी थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या संज्ञानात्मक ज्ञान का, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जी हाँ, परमवीर सिंह ने, आकांक्षा गर्ग ने, दोनों ही नहीं, बिल्कुल सही बताया है, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, अपने ही बच्चों पर रिसर्च किया और फिर इन्होंने क्या किया, एक थ्योरी डेवलप की। चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं थोड़ा सा और। अब ये जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, ये कहता क्या है, ये किस बात के ऊपर आधारित है, क्या क्या इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स इन्होंने दिए, वो सब चीजें हम समझते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग, देखिए एक चीज होती है, यहां पर लिखा है संज्ञान। अब ये एक मिलते जुलते शब्द से है, इसका एक मिलता जुलता शब्द हम जानते हैं, और वो क्या है, ज्ञान। ठीक है जी, एक चीज है ज्ञान, एक चीज है संज्ञान। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन ज्ञान एंड संज्ञान? क्या ज्ञान और संज्ञान में कोई अंतर है? ये दोनों एक ही हैं। देखिए दो शब्द हैं तो कोई ना कोई तो अंतर होगा, क्योंकि कॉग्निशन का मतलब तो नॉलेज होता है और संज्ञान का मतलब कॉग्निशन, जो कि आपके सामने लिखा है, है ना। ज्ञान मतलब होता है नॉलेज और संज्ञान मतलब होता है कॉग्निशन, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो अंतर होगा, अब इस अंतर को समझ लेते हैं। ये जो ज्ञान है, इसको क्या कहा जाता है जी? इसको कहा जाता है नॉलेज, और संज्ञान को कहा जाता है कॉग्निशन, ठीक है। अब देखते हैं क्या डिफरेंस होता है जी। डिफरेंस देखें तो मैं ये कहूंगा कि भाई, मान के चलिए कि हम कोई एक बुक पढ़ते हैं, ठीक है जी। मान के चलते हैं कि भाई आपकी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, आपकी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, और वो 30 विद्यार्थी कोई एक पुस्तक पढ़ते हैं, कोई भी एक, ठीक है। मान के चलते हैं पंचतंत्र पढ़ते हैं, ठीक है। या कुछ बच्चे ऐसे हैं वो कोई एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, या क्लास में पढ़ते हैं, है ना। मान लो एक व्यक्ति, एक अध्यापक एक ही कक्षा में एक ही समय पर एक ही तरीके से 30 बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है। लेकिन क्या उनकी सबकी समझ में एक ही बात आ रही है, या मैं अभी जो बता रहा हूं क्या सबको एक जैसा समझ में आ रहा है? यहां पर सोचने की बात है, क्या सबको एक जैसा समझ में आ रहा है? या मैं कहूंगा कि यदि हम थिएटर में कोई मूवी देखते हैं, तो जितने भी दर्शक हैं, जो भी देखने वाले हैं, क्या सभी को समान चीजें एक तरीके से समझ में आ जाती हैं, या सभी उस एक बात का एक ही मतलब निकाल पाते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम अपनी तरीके से, अपनी सोच के अनुसार चीजों को डेवलप करते हैं, चीजों को सोचते हैं, चीजों को रिलेट करते हैं, अपने 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 एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। जैसा जिसका एक्सपीरियंस होगा लाइफ में, वैसे ही वो चीजों को रिलेट कर पाएगा, ठीक है ना। इन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए, एक दिया मैच्योरिटी, एक दिया एक्सपीरियंस। जब मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस ये दोनों मैटर करते हैं, मैं लिख देता हूं भाई, एक चीज होती है मैच्योरिटी, कि आप कितने मैच्योर हैं, एंड वन थिंग अदर थिंग इज एक्सपीरियंस, या हिंदी में कहें तो ये क्या हो जाएगा भाई, परिपक्वता। मैच्योरिटी होता है परिपक्वता, और एक्सपीरियंस होता है अनुभव। तो जितने ज्यादा हमारा ब्रेन परिपक्व है, उतना ज्यादा हम सीख पाएंगे, और जितना ज्यादा हमें एक्सपीरियंस है, उतना अधिक हम सीख पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर भी जो मैं बातें कर रहा हूं ना, वो सब आप एक जैसा नहीं सीख पा रहे हैं। क्यों? वो मैटर क्या करता है कि आपके एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, क्योंकि सीखने के लिए हम चीजों को रिलेट करते हैं आपस में, ठीक है। तो जब हम चीजों को रिलेट करेंगे तो किसके आधार पर करेंगे? अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर करेंगे, ठीक है जी। हेलो रानी मिश्रा जी, कैसे हैं आप, ठीक है। तो हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ही तो करेंगे ना रिलेट। और दूसरी बात मैच्योरिटी, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूं कि भाई मान लो एक छोटा बच्चा है और एक बड़ा व्यक्ति है, ठीक है। अब जब वो जा रहे हैं तो वो अपनी मैच्योरिटी के हिसाब से सोचता है। मान लो एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं, तो जो छोटा बच्चा है वो मैच्योरिटी के हिसाब से उसको क्या लगेगा, या एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि यार आज ये पेड़ जो है ये बहुत तेज तेज से पीछे भाग रहे हैं,
है ना, क्योंकि मैं तो मतलब एक जगह पे बैठा हूं, पेड़ उल्टे भाग रहे हैं, जबकि हमें पता है जो मैच्योर पर्सन है, जो बड़े हो चुके हैं, जिनका एक्सपीरियंस रहा है, उनको पता है कि पेड़ तो वहीं पर है, ये तो हम आगे की तरफ भाग रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस दो चीजों पर मैटर करता है, कहा जीन पियाजे ने, और यही हमारे मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस आपस में इंटरैक्ट करके हमारे संज्ञान का निर्माण करते हैं। देखिए, ज्ञान वो है जो मैं आपको बता रहा हूं, संज्ञान वो है जो आप समझ रहे हैं। दिस इज द वेरी डिफरेंस। अगर मैं कहूं संज्ञान को अगर मैं थोड़ा सा तोड़ के समझूं तो कुछ आप ऐसे रिलेट करेंगे, संज्ञान का मतलब क्या है, स्वयं ज्ञान, मतलब हम अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे, गांठ बांध लेंगे इस चीज की, व्यक्ति अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। जी हाँ परमवीर सिंह जी, हर बच्चा यही सोचता है अपने बचपन में कि पेड़ देखो कितनी तेजी से भाग रहे हैं, है ना। जैसे कि पुराने जमाने में लोग क्या सोचते हैं कि सूरज चक्कर काट रहा है, जी नहीं, सूरज अपनी जगह पे है, हम चक्कर काट रहे हैं, वैसा ही होता है ट्रेन और पेड़ के टाइम पे। ठीक है, आज भी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं सूरज ही तो घूम रहा है ना, जबकि ऐसा नहीं है। हम भी देखिए बोलते हैं सूर्यास्त सूर्योदय, सूर्यास्त और सूर्योदय कभी नहीं होता है, हम ही घूम रहे होते हैं। ठीक है, चलिए, तो भाई हम क्या करते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं या रचना करते हैं, या इसको हम कहेंगे कंस्ट्रक्शन, है ना, हम ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम ज्ञान को अपने आप से बनाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई ज्ञान का कंस्ट्रक्शन होता है इन तीन बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट के आधार पर, दैट्स व्हाई, क्योंकि ये हम ज्ञान का निर्माण करते हैं, ज्ञान की रचना करते हैं, दैट्स व्हाई इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म या रचनावाद या निर्माणवाद के जनक। अगर आपसे एग्जाम में कभी भी पूछा जाए कि रचनावाद या निर्माणवाद के जनक कौन थे, फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म कौन थे, देन योर आंसर विल बी जीन पियाजे। आगे अब देखिए, यहां पे थोड़ा समझना है कि भाई जीन पियाजे इसके पापा हैं, इसके भी पापा हैं, इसके भी पापा हैं, और अभी हमने देखा कि भाई इसके भी पापा निकला है, जनक का मतलब पापा ही होता है। ठीक है जी, तो भाई एक और के पापा आ गए। ठीक है, ये इन चार के ही नहीं, एक और के भी पापा है, और वो जिस एक और के पापा है वो क्या है, फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। जी हाँ, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक भी जीन पियाजे ही है। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक का मतलब क्या है कि भाई इन्होंने बताया कि बच्चा कैसे कैसे विकास करता है, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होती है, उसकी सोच कैसे बदलती है, वो चीजों को सीखता कैसे है, और वो उनको डेवलप कैसे कर पाता है। ठीक है, दैट्स वाई ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो मैं अगेन आपसे कह रहा हूं, यदि आपके एग्जाम में आता है कि हु इज द फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, योर आंसर विल बी जीन पियाजे। एंड अगेन, अगर आपके एग्जाम में आता है विकासात्मक मनोविज्ञान या डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के फादर कौन है, अगेन योर आंसर इज जीन पियाजे। ठीक है, चलिए अब समझ लेते हैं भाई थोड़ा सा फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म या जीन पियाजे जी के बारे में, थोड़ा सा हट जाता हूं। देखिए अंकल जी बड़े प्यारे हैं हमारे, क्यूट से अंकल है, है ना, जैसे बच्चे थे ना क्यूट क्यूट से, वैसे ही पापा हैं, या फिर उल्टा भी कह सकते हैं, जैसे पापा हैं वैसे ही फिर बच्चे थे। ठीक है, तो भाई अब यहां से हम समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। अब स्वयं करते हैं तो कहां से करेंगे, हमारे आसपास में जो इन्वायरमेंट होता है, हम उससे एक्सपीरियंसेस लेते हैं, उससे इंटरेक्ट करते हैं, अपनी मैच्योरिटी के आधार पर इन शब्दों को याद रखना है, और उनसे इंटरेक्ट करके ही हम अपने ज्ञान का निर्माण कर पाते हैं, हम अपने ज्ञान की रचना कर पाते हैं। होपफुली आप यहां तक समझ पा रहे हैं, और ये मैं की पॉइंट्स दे रहा हूं, आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई इन्वायरमेंट से किसने कहा है कि भाई हम अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करके अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, आपका आंसर होगा जीन पियाजे। ये की वर्ड्स हैं, आपको याद रखना है। यस, गुड इवनिंग पूजा आर्य एंड मोहिनी पीजी। ठीक है, आगे मैं कहूंगा एक्टिव कंस्ट्रक्टर। यदि कहा जाए कि कौन कहता है कि बालक अपने ज्ञान का सक्रिय निर्माता होता है या एक्टिव कंस्ट्रक्टर होता है, आपका आंसर अगेन फिर से वही है, हमारे जीन पियाजे जी। आगे अगर आपसे पूछा जाए कि प्रॉब्लम सोल्वर, किसने कहा कि बच्चा प्रॉब्लम सोल्वर है, कि बच्चा समस्या समाधान करता है, अगेन आप रिलेट करेंगे कि हमें जो एक्सपीरियंसेस मिलते हैं हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से, हम उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, और सोचकर हम उसका सोल्यूशन निकालना शुरू करते हैं, सोल्व करना शुरू करते हैं। तो ये भी कहा जीन पियाजे ने, ये की पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, आपको याद रखना है। आगे, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर,
याद रखना है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर किसने कहा? जीन पियाजे ने कहा, ठीक है। अगेन मैं फिर लिख रहा हूं, बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। स्वयं करने का मतलब ही क्या है कि भाई इन्वेस्टिगेट करता है, चीजों में खोजबीन करता है, ठीक है, और निर्माण करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर आए तब भी जीन पियाजे आंसर रहेगा हमारा। आफ्टर दैट अगर कहा जाए एक्सप्लोरर है, एक्सप्लोरर या अन्वेषण करता है, ठीक है, वही खोजी है बच्चा, है ना। तो ये भी कौन कह रहा है, हमारे जीन पियाजे जी कह रहे हैं। आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं, ही बिलीव्ड दैट ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ बोथ बायोलॉजिकल मैच्योरिटी, जैसा कि मैंने बताया था अभी, एंड इंक्रीजिंग सोशल एक्सपीरियंसेस, जो उसके सोशल एक्सपीरियंसेस है उनसे और अपनी मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग ही वो अपने ज्ञान का निर्माण करता है, अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर पाता है। ओके, लेकिन यहां पर एक चीज रह जाती है, इन्होंने क्या कहा कि दैट इंडिविजुअल पर्सन, जो इंडिविजुअल है वही रिस्पॉन्सिबल है अपने ज्ञान के निर्माण करने में, लेकिन यहां पर इनसे थोड़ी सी चूक हुई और जिसका ऊपर शोध किया लेव वाइगोत्स्की ने, ठीक है। और वो चीज क्या थी, इन्होंने कमतर आंका किसको, सामाजिक संप्रेषण को अधिक महत्व नहीं दिया। इन्होंने ये तो कहा कि जो सोशल इन्वायरमेंट है उससे इंटरेक्ट करके सीखता है, लेकिन ये नहीं कहा कि जो सोशल इन्वायरमेंट है उसका अधिक प्रभाव पड़ता है, उसका अधिक महत्व है हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। इन्होंने क्या कहा कि जो इंडिविजुअल है, जो इंडिविजुअल पर्सन है वही रिस्पॉन्सिबल है अपने ज्ञान के निर्माण में, अगेन स्वयं ही रिस्पॉन्सिबल है आपके सीखने में। देखिए मैं फिर से वही कह रहा हूं, इस चीज को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मैं एक ही बात आप सभी को बता रहा हूं, लेकिन अभी ये आपके ऊपर है कि इतनी रात को जाके 12 बजे तक आप इसके ज्ञान का निर्माण किस तरीके से कर पाते हैं, कैसे मेरी चीजों को अपनी लाइफ से रिलेट करके या और बच्चों को, छोटे बच्चों को सोच के कि हाँ वो ऐसे करके ही सीखता है, रिलेट करके आप कितना अधिक सीख पाते हैं या नहीं सीख पाते हैं, ये आपके ऊपर है। क्योंकि मैं तो एक ही हूं, है ना, बताने वाला एक है, लेकिन समझने वाले जो माइंड है वो बहुत सारे हैं और उन्हीं का प्रभाव पड़ता है, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप जी? चलिए आपके सामने क्वेश्चन है 30/12/2021 का, और जैसा कि मैंने कहा लेटेस्ट क्वेश्चन लेके आएंगे और जो हम पढ़ा रहे हैं उसी से रिलेटेड होगा, देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं। शाबाश, बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। इन ए कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम बेस्ड ऑन पियाजिन प्रिंसिपल चिल्ड्रन लर्न, कैसे कैसे लर्न करते हैं? शाबाश, देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। वेरी गुड, पियाजे के सिद्धांतों पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं? परमवीर सिंह ने कहा डी। अंजलि चौधरी जी, कैसे हैं आप अंजलि जी, नमस्कार आपको। ज्योति राजपूत ने कहा डी, आकांक्षा गर्ग ने कहा डी, कोमल सिंह ने कहा डी, पूजा कौशिक ने भी कहा डी, और जी हां हमारा आंसर भी है बिल्कुल सही डी, ठीक है। थ्रू सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिविटी, देखिए मैंने कहा था सेल्फ शब्द पे आपको ध्यान रखना है, खुद से ही सीखता है, ठीक है, इमिटेशन से नहीं सीखता है, अडल्ट्स के द्वारा एक्सप्लेनेशन से नहीं सीखता है और रिवॉर्ड से भी नहीं सीखता है। अगर यहां पे फिर से हम रिलेट करें तो रिवॉर्ड के बारे में किसने कहा है, स्किनर ने कहा है कि भाई रीइंफोर्समेंट मिलती है तो हम सीख पाते हैं, ठीक है। थ्रू एक्सप्लेनेशन गिवन बाय अडल्ट्स, इसके बारे में किसने कहा है, लेव वाइगोत्स्की ने कहा है, ठीक है। अगर इसी प्रश्न में यहां पर पियाजे की जगह इनमें से किसी का नाम होता तो आपका आंसर बदल गया होता, ठीक है। तो यहां पर आपको समझ लेना है इन चीजों को कि भाई किस तरीके से हम सीखते हैं, ठीक है। और इमिटेटिंग अडल्ट्स भी हम कहीं ना कहीं स्किनर से हम जोड़ते हैं जब हम बात करेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट की। ओके जी हाँ, बिल्कुल आपका सभी का जवाब सही, अंजलि चौधरी जी का भी और गीता गीत का भी, अमीश यादव जी का भी, रानी मिश्रा, प्रतिभ यादव और पूजा कौशिक, कोमल सिंह, आकांक्षा गर्ग, सभी का जवाब बिल्कुल सही है डी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन आपको ध्यान रखना है सेल्फ का, अपने आप जो करेगा वही आपका आंसर रहेगा। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग, क्या जरूरी है लर्निंग के लिए, रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, आप समझ सकते हैं किसकी बात चल रही है, एक्टिव एक्सप्लोरेशन बाय द लर्नर, ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन, लैंग्वेज डेवलपमेंट विच फैसिलिटेट सोशल इंटरेक्शन। 28/12/2021 का, जी हाँ बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है पेपर 2 का। शाबाश आंसर देंगे, परमवीर सिंह सबसे पहले, दीपांशु बुधवार ने दिया है आंसर बी, आकांक्षा गर्ग बी और साक्षी सिंह बी, ज्योति राजपूत बी, कोमल सिंह बी, परमवीर सिंह बी, पूजा कौशिक बी,
सभी का आंसर भी आ रहा है भाई, अंजलि चौधरी, रानी मिश्रा, प्रतिभा यादव, गीता गी, सभी का आंसर आ रहा है बी। और जैसा कि मैंने कहा कि भाई बच्चा क्या होता है, एक्टिव एक्सप्लोरर होता है, अपना जो ज्ञान का निर्माण करता है सक्रिय खोजबीन के द्वारा करता है, तो यही होगा हमारा आंसर बिल्कुल सही, जो कि होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 29/12/2021 का क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़ेंगे और आंसर देंगे जी। निशा एंड मनोज ने भी दिया है आंसर बी, बिल्कुल सही जवाब आप सभी का। इसको देखते हैं कौन देता है सबसे पहले। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में कौन सा तत्व संज्ञानात्मक विकास के लिए अनिवार्य है? जी हाँ, संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है? दीपांशु ने कहा ए, जी हाँ सबसे पहले आया है जवाब। पूजा कौशिक का सी, ज्योति राजपूत सी, रानी मिश्रा ए, अमीश यादव बी। जी हाँ बिल्कुल अलग अलग आ रहे हैं भाई सभी के जवाब। देख लेते हैं कहाँ पर कौन क्या सोच रहा है। देखिए यहाँ पर मैंने कहा ना कि किस तरीके से आप इस चीज़ को फील करिए, मैंने एक ही चीज़ बताई है लेकिन फिर भी आप सभी उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, है ना, तभी तो आपके आंसर से अलग है। देखते हैं, पहले को देखते हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की बात तो करी थी, और भी ऑप्शन देख लेते हैं। रीइन्फोर्समेंट बाय एडल्ट्स, जी नहीं ये बिल्कुल भी नहीं होगा, रीइन्फोर्समेंट की तो बात ही नहीं करेंगे, अडल्ट्स की तो बात ही नहीं करेंगे, इंडिविजुअल की बात समझनी है। एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द सराउंडिंग, ये ज्यादा जा रहा है ना। कंडीशन ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स की बात थोंडाई के वगैरह के लिए छोड़ देते हैं, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही सी ही होगा, एक्टिव एक्सप्लोरेशन। ध्यान रखो इन शब्दों का, ध्यान रखो इन शब्दों का, ध्यान रखो यहां पर क्या कह रहा है, ऑब्जर्वेशन ऑफ द एनवायरमेंट, और यहां पे एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द सराउंडिंग, सराउंडिंग भी हमारा एनवायरमेंट है और उसका एक्टिवली एक्सप्लोर कर रहा है उसको। आप सभी को क्लास सही वही मिल रही है लेकिन आप अपने जो सराउंडिंग में चल रहा है उसको एक्टिवली एक्सप्लोर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, उसी से आपके जवाब में अंतर आ रहा है। आप इस चीज को फील करके देखिए एक बार, है ना। तो जैसे मैंने शब्द कहा था, जहां पर भी शब्द आए एक्टिव एक्सप्लोरेशन, वही हमेशा आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए जी, जिसका भी आंसर आया है सी उसको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिसका आंसर था ए अभी, वो थोड़ा सा और ध्यान से लगा के पढ़ेंगे, हमारे आंसर बिल्कुल सही होने वाले हैं। जी हाँ शाबाश, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31/12/2021 को आया है, चिल्ड्रंस एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड इज प्रपोज्ड बाय, बड़ा ही ईजी है, इसको मैं नहीं पूछने वाला हूं, आंसर आप सभी को पता है, जीन पियाजे। ठीक है, देख पा रहे हैं जी, आए हुए प्रश्न है सारे, एक्टिव एक्सप्लोरेशन करता है, ठीक है, एक्टिविटी कंस्ट्रक्ट करता है उसके लिए। आगे चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलाउइंग लर्नर्स मैक्सिमम फ्रीडम विद इन ए रिसोर्स रिच एनवायरनमेंट एंड फैसिलिटेटिंग देम टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज फॉर देमसेल्व्स, इंडिकेट टुवर्ड्स विच अप्रोच, कौन सी अप्रोच की बात कर रहे हैं? देखते हैं इसका आंसर कौन देता है, शाबाश, कौन कितना ज्यादा एक्टिव है आप में से, यहीं पर पता चल जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, अब से मैं देख रहा हूँ जी, ज्योति राजपूत जी कह रहे हैं ए, कोमल सिंह कह रहे हैं सी, ऑलवेज रॉक जी, दीपांशु बुधवार कह रहे हैं सी, ज्योति राजपूत कह रहे हैं ए, निष्ठा, निशा एंड मनोज सी। देखिए ए सी है ना, वो क्या आ रहे हैं, मतलब अल्टरनेटिवली आ रहे हैं, देख लेते हैं क्या होगा आंसर। अभी देखिए मैंने क्या कहा था, एक्सपो जो सी कह रहे हैं, प्रतिपादक अध्यापन, अध्यापन की तो बात ही नहीं करी हमने, क्या देखा था, मैंने क्या कहा था, जो हमारे जीन पियाजे हैं वो फादर एक पांचवें के भी थे, और जो वो पांचवा था वो यही तो था, ठीक है, वो यही तो था। तो डिस्कवरी, आप स्वयं से सोचिए, खोजी अधिगम, बच्चा खोजता है चीजों को, बच्चा अपने आप से ढूंढता है, ये क्या है, कभी छोटे बच्चे को देखना कैसे चीजों को उठा के उलट पलट के देखता है, खोल के देखता है, खोजी अधिगम, सीधा सीधा जवाब जा रहा है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जो भी मैं कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं, जो भी चीजें बता रहा हूं, उन की वर्ड्स को आप चाहे तो कहीं पे लिख लीजिए, वो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दो बार बार आएंगी, हर बार आएंगी। ठीक है, हेलो सर का रिप्लाई तो कर दीजिए, ऑलवेज रॉक जी, हेलो आपको। चलिए, वो थोड़ा सा मैं फ्लो में, क्योंकि मैं आंसर्स देख रहा था इसलिए नहीं कर पाया जी। कैसे हैं आप, ऑलवेज रॉक। चलिए आगे चलते हैं, अब देखो भैया फिर से आ गए हैं जीन पियाजे अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चों के साथ। ठीक है, अब देखते हैं भैया, फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म है, फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है। ठीक है, अभी हमने ये बात की, आफ्टर दैट कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को आज हम डिस्कस करेंगे जो कि दिए थे जीन पियाजे ने। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेंटल स्ट्रक्चर को, आफ्टर दैट स्कीमा को,
उसके बाद एसिमिलेशन क्या होता है या आत्मसातिकरण क्या होता है, आफ्टर दैट समायोजन या अकोमोडेशन क्या है, उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन क्या है या संगठन क्या होता है, एंड आफ्टर दैट इक्विलिब्रेशन क्या होता है। ये जो हमारे 6 कॉन्सेप्ट हैं इनको हम डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे कि इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे 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 बने हैं। जी मैं बहुत बढ़िया हूँ ऑलवेज रॉक जी, आपका नाम बहुत बढ़िया है ऑलवेज रॉक, है ना, बस ऐसे ही रॉक करते रहना है, हमें भी आपको भी जम के रहना है, ठीक है जी। हाय अनिश कुमार, जिला एटा उत्तर प्रदेश जी, हाँ बिल्कुल, आपने तो पूरा एड्रेस दे दिया घर का, ठीक है जी। चलिए, हाँ अमीश यादव जी ने कहा है स्कीमा, देखते हैं एक एक को करके भी, मेंटल स्ट्रक्चर क्या है, स्कीमा क्या है, क्या है एसिमिलेशन, क्या है अकोमोडेशन, क्या है ऑर्गेनाइजेशन, क्या है, और एट लास्ट इक्विलिब्रेशन क्या है। अगर आपने इनको समझ लिया तो ये मान के चलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एक क्वेश्चन जरूर फंसने वाला है इनमें से। चलिए शाबाश, पहले बात करते हैं मेंटल स्ट्रक्चर की। मेंटल स्ट्रक्चर क्या होता है? मेंटल स्ट्रक्चर इज नथिंग बट व्हाट एवर यू नो इज योर मेंटल स्ट्रक्चर। इस चीज को समझ लेना है, आज आपको जो भी कुछ पता है वो सब कुछ आपके मेंटल स्ट्रक्चर का भाग है। मेंटल मतलब दिमाग, स्ट्रक्चर जिसने आपके मेंटल के स्ट्रक्चर को बना रखा है वो आपका मेंटल स्ट्रक्चर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम जो भी कुछ देखते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, है ना, चखते हैं, सुनते हैं, है ना, जो भी हम टच करते हैं, वो सब चीज़ें है ना हमारे दिमाग में अपने एक इमेज बनाते हैं, अपने एक विशेष छवि बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये जो छवियां हैं ये हमारे दिमाग में अपना एक प्रीवियस नॉलेज के रूप में स्टोर होती जाती हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि भाई ये कौन है, क्या आप इनको जानते हैं? बिल्कुल जानते होंगे, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी हैं। ये कौन है जी? अमिताभ बच्चन है। आप इनको जानते हो ना, ठीक है, क्यों जानते हो? क्योंकि आपके माइंड में इनकी छवियां बनी हुई हैं। ये कौन है जी? अक्षय कुमार है जी, ठीक है जी। ये कौन है जी? ये एक हॉर्स है भाई। और ये कौन है जी? ये एक डॉग है, ठीक है। तो मतलब मैं ये कहूंगा, हर चीज, जो भी चीज हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, वो सभी चीजें हमारे दिमाग में अपनी एक विशेष इमेज बनाती हैं, ठीक है। और इन्हीं इमेजेस के संग्रह को मेंटल स्ट्रक्चर कहा जाता है, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं, ठीक है। ये सब मिलकर हमारे मेंटल स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। आफ्टर दैट, अगर हम बात करें अब स्कीमा की, या इसको प्रारूप कह दिया जाता है, या कई बार अवधारणा भी कह दिया जाता है, ठीक है, नाम से ही दिख रहा है अवधारणा। तो अब मैं ये कहूंगा कि जैसे कि आपने अभी ये अलग 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 पिक्चर्स को देखा, ठीक है, तो ये सभी छोटे 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 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये सभी छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपके मेंटल स्ट्रक्चर के। आप समझ पा रहे हैं? आपने यदि एक चीज को अभी समझा तो एक छोटा सा बिल्डिंग ब्लॉक बन के आपके मेंटल स्ट्रक्चर का पार्ट बन गया। और ये जो बिल्डिंग ब्लॉक है ना, ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यही हमारे क्या होते हैं? स्कीमा कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं कि बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स या बहुत सारी स्कीम्स मिलकर हमारे मेंटल स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं। मेंटल स्ट्रक्चर इज नथिंग बट ए बंच ऑफ स्कीम्स। जो बहुत सारी स्कीम्स है ना, जो भी हम कुछ सीख रहे हैं, जैसे कि अभी भी मैंने कुछ बात कही और यदि आपने वो सीखा तो वो क्या है, आपके माइंड में जाके एक और स्कीमा बन जाता है, एक और एड हो जाता है, ठीक है। तो मतलब क्या, जो स्कीमा है वो क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स है, या हिंदी में कहेंगे निर्माण प्रखंड है। जैसे ही आपके एग्जाम में शब्द आएगा बिल्डिंग ब्लॉक्स या निर्माण प्रखंड, योर आंसर विल बी स्कीमा। बस इतना सोच के चलना है, ठीक है। आपके सामने भी क्वेश्चंस में आएंगे, आप देख पाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैं कहूंगा कि भाई आपके सामने एक पिक्चर है, ठीक है, इसको मैं दोबारा दिखाता हूँ, बड़ा प्यारा लगता है जब ये ऐसे खुलता है ना। देखिए कैसा बबुआ सा है ना, छोटा सा बच्चा सा है ना, क्यूट सा एक डॉगी है, ठीक है, आपके सामने एक ये है। अब आपके माइंड में इसको लेके एक अलग इमेज बनी होगी, ठीक है ना, आपके माइंड में इसको लेके एक अलग इमेज बनी, बड़ा प्यारा सा है, क्यूट सा है ना, सामने से भागा भागा अभी जाए तो आप डरेंगे नहीं, आपको बड़ा अच्छा सा लगेगा, आप बड़ी खुशी होगी, ठीक है। लेकिन वहीं उसी तरीके से भागता भागता अगर ये आ जाए तो आपका जो मेंटल स्ट्रक्चर है वो कुछ और ही करना शुरू कर देगा, शायद गड़बड़ा भी जाए, है ना, आप भी गड़बड़ा जाए और मेंटल स्ट्रक्चर भी गड़बड़ा जाए अगर ये वाला डॉग आपकी तरफ भागता हुआ आए तो, ठीक है, विदाउट हिज मास्टर या इट्स मास्टर, ठीक है, अगर आए। हाँ ये बड़ा प्यारा है, ये भी अगर प्यारा है तो बता देना, ठीक है, इस पर ज्यादा प्यार आ रहा हो तो बताना भाई, ठीक है, पिक्चर में आ सकता है, रियल में आने से थोड़ा सा बचना, ठीक है। तो आप इस चीज को समझना कि इसके लिए आपके माइंड में स्कीमा कुछ और बना है, क्यूटी सा स्कीमा बना हुआ है, और इसके लिए भाई स्कीमा कुछ और ही है,
है ना, आपको पता है कि भाई ये छोड़ेगा नहीं, ठीक है। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे जो स्कीमा हैं, जो स्कीम्स हैं, वो अलग अलग होते हैं हर चीज के लिए, और ये सब मिलकर हमारे एक्सपीरियंसेस को बनाते हैं और हमारे मेंटल स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। और आपको इन शब्दों का ध्यान रखना है, बिल्डिंग ब्लॉक्स या निर्माण प्रखंड, इनको याद रखेंगे आपका आंसर कभी गलत नहीं होने वाला है, ठीक है जी। तो स्कीमा जो है, जो स्कीम्स हैं, वो ही मिलकर हमारे मेंटल स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं। और कई बार इनको एक भी कह दिया जाता है कि भाई बहुत सारे स्कीमा ही तो हैं जो मेंटल स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलिए अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। 2022 जी हाँ, इसी साल आया हुआ प्रश्न है, 21 बारह 2021 होगा भाई, 22 तो आया भी नहीं है अभी, ठीक है, गलती से 22 हो गया वो, 21 बारह 2021 है, टाइपिंग मिस्टेक है ना, थोड़ा बहुत तो कर दिया करो एडजस्ट, ठीक है। चलिए, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, डैश इज ए कॉन्सेप्ट या फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइज दैट ऑर्गेनाइजेस एंड इंटरप्रेट्स इंफॉर्मेशन। पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है, है ना, जो भी आपके दिमाग में कार्य रूप सूचना आई है उसको संगठित करेगा और प्रतिपादित करेगा, मतलब आपके दिमाग में स्टोर करेगा, आपका आंसर जो है स्कीमा है, अभी हमने डिस्कस किया। आफ्टर दैट, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, ह्यूमन बेबी इज बोर्न विद, देखिए हमारे अंदर कुछ स्कीमा बचपन से भी होते हैं, जैसे कि हमारे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, हमारा हमारी बॉडी मूवमेंट्स करना होता है, है ना, बच्चे का जो दूध पीना होता है उसको कोई सिखाता थोड़ी है, लेकिन वो बचपन से ही उसको पता होता है, तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में कुछ चीज़ों का तो स्कीमा बना हुआ है ना, ठीक है। तो वो क्या कहता है, जो सम इंस्टिंक्ट्स एंड रिफ्लेक्सेस आर टर्म्ड एज अगेन स्कीमा, आंसर स्कीमा ही है, लेकिन आपको समझना है कि लैंग्वेज कैसे चेंज हो सकती है, प्रश्न कैसे बदल के आ सकता है, वह भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं जी, आंसर आपको पता है, अगेन मैं कहूंगा आपको सिर्फ समझना है लैंग्वेज को कि कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं एक ही टॉपिक के ऊपर, एक ही कंसेप्ट के ऊपर। तो देखिए जी क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग विच आर ऑर्गेनाइज सिस्टम्स ऑफ एक्शन और thought that allow us to mentally represent the objects and events in our world are called, ठीक है। अब यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है जी, बिल्डिंग ब्लॉक्स लिख दिया है, और बिल्डिंग ब्लॉक्स लिखा है तो आपका आंसर स्कीमा ही रहने वाला है। जी हाँ, उन्होंने बच्चे को एक स्मॉल साइंटिस्ट भी कहा है, स्मॉल की जगह पे उन्होंने जो वर्ड यूज किया था वो किया था लिटल साइंटिस्ट, जो हमारे जीन पियाजे हैं उन्होंने बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट भी कहा है, क्यों, क्योंकि बच्चा खोज करता रहता है और खोज करके अपने ज्ञान का निर्माण करता रहता है, दैट्स व्हाई लिटिल साइंटिस्ट भी कहा है, ठीक है जी। थैंक यू अमीश यादव जी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नन्हे कौन है भैया, नन्हा यहाँ पे, चलिए आगे चलते हैं भाई। एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण जी, माइंड मैप के बारे में मैम जब हम थिंकिंग एंड लर्निंग कराएंगे ना, बहुत अच्छे से कराएंगे माइंड मैप के बारे में, कॉन्सेप्ट मैप के बारे में, आप चिंता ना करें। फिलहाल हम जीन पियाजे को आज खत्म करने की सोच रहे हैं, ठीक है, टाइम भाग रहा, जल्दी जल्दी से आंसर करते हैं इसका, सॉरी एक और नया कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, आज इनको हम खत्म करेंगे, उसको समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, दैट्स वाई, ठीक है। चलिए, एसिमिलेशन या आत्मसातकरण क्या होता है, व्हेन एन इंडिविजुअल एड्स न्यू नॉलेज, इस शब्द को पकड़ लो, कभी भी मार नहीं खाओगे, ऐड करना नए ज्ञान को, नए ज्ञान को ऐड करना, फॉर एग्जांपल अभी आप क्या कर रहे हैं, नई नॉलेज को ऐड कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इसको क्या कहेंगे, एसिमिलेशन। ये क्या होता है, एसिमिलेशन या आत्मसातकरण या समावेशन, ठीक है, टू द मेंटल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एसिमिलेशन, आपके मेंटल स्ट्रक्चर में नए ज्ञान को ग्रहण करना। भाई बात क्या की थी, डेवलप कैसे होता है, ऐसे होता है जी, हम ज्ञान को क्या करते हैं, अपने अंदर ऐड करते रहते हैं, ऐड करते रहते हैं, ऐड करते रहते हैं, और इस ऐड करने की प्रक्रिया का नाम क्या दे दिया जी, एसिमिलेशन कह दिया, सिंपल सी बात है, इट मींस फिटिंग द न्यू नॉलेज अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टिंग मेंटल स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है, नए ज्ञान को फिट करना अपने मेंटल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। तो आप समझ पा रहे हैं, अब ये देखेंगे, अनुकूलन या आत्मसातीकरण में व्यक्ति अपने पुराने ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को जोड़ता है। इस बात को आपको नोट कर लेना है कि भाई पुराने ज्ञान के आधार पर जो आपको ऑलरेडी पता है ना, उसी के आधार पर आप कुछ नया सीखते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, एसिमिलेशन, ठीक है। तो थोड़ा एसी जला देता हूं भाई, थोड़ी गर्मी लग रही है मुझे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, चलिए अब जैसे कि भाई मान लो आप इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आपको पता चले कि भाई जो पिता होते हैं उनको फादर कहा जाता है,
या जो माँ होती हैं उनको मदर कहा जाता है, या जो भाई होते हैं उनको ब्रदर कहा जाता है, या जो बहन होती है उसको सिस्टर कहा जाता है। तो आप नए ज्ञान को, मतलब एक नई लैंग्वेज को सीख रहे हैं। किसके द्वारा? जो आपका पुराना ज्ञान था उसके द्वारा ही आप नए ज्ञान को सीख रहे हैं। दैट्स व्हाई ये जो एक प्रोसेस है इसको क्या कहेंगे हम? एसिमिलेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं भाई एसिमिलेशन के बाद में एक और कुछ देख लेते हैं। एसिमिलेशन क्या है, हमने कैसे किया था, मैंने अंग्रेजी कैसे सीखी? भाई मैंने अपनी लाइफ में पहले मैंने हिंदी सीखी 5वीं तक, उसके बाद में ही 6ठी क्लास में मैं गया, मतलब उस स्कूल में जहाँ पे अंग्रेजी होती थी। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं मतलब एमए इंग्लिश वगैरह किया मैंने, तो इंग्लिश ठीक ठाक रही मेरी बाद में। ठीक है, लेकिन हाँ शुरुआत में मैंने ऐसा कुछ किया। ठीक है, तो अब इस चीज़ को समझ लेते हैं भाई कि मैंने कैसे सीखी। भी 12 खड़ी से सीखी। ठीक है भाई, अगर जी लिख दिया तो ग हो जाएगा, जी ए कर दिया तो गा, जी आई कर दिया तो छोटी की मात्रा, जी डबल ई कर दिया तो बड़ी की मात्रा, है ना? आपने भी ऐसा सीखा होगा। ठीक है ना, जी एच कर दिया तो घ बन गया, जी एच ए कर दिया तो घा, जी एच ई छोटा ई, जी जी एच डबल ई तो घी वाला आ गया भाई अपना, ना घी। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से हमने क्या सीखा, पुराने ज्ञान के आधार पर, क्योंकि हिंदी तो आती थी, पुराने ज्ञान के आधार पर ही नए ज्ञान को सीखा। तो ये क्या कहलाता है? एसिमिलेशन। ओके, यहां तक जी ठीक है जी, आपने भी ऐसे ही सीखी। हाँ मतलब मैंने भी ऐसे सीखी भाई। ठीक है, चलिए शाबाश। अब इसको देखते हैं एसिमिलेशन के ऊपर कैसे कैसे लैंग्वेज में कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। आपको जस्ट लैंग्वेज को पकड़ना है, आंसर आपके सामने है ही एसिमिलेशन, आप सभी को पता है। आंसर पे नहीं जाएंगे हम, बस वहां पे जाएंगे कि कहां पे एक पॉइंट मिलता है जो कि हमारे आंसर को सही करता है। फ्रॉम ए पियाजिन परस्पेक्टिव द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, अभी मैंने बताया कि भाई न्यू इन्फॉर्मेशन को टेक करना इनटू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड यस एसिमिलेशन, है ना? नई इन्फॉर्मेशन को इनटेक करना अपने मेंटल स्ट्रक्चर में क्या कहलाता है? एसिमिलेशन कहलाता है। चलिए जी आगे देख लेते हैं। व्हेन ए यंग चाइल्ड सीज ए कैमल फॉर द फर्स्ट टाइम ही शी कॉल्स इट लंपी हॉर्स, है ना? जब पहली बार कैमल को देखती है तो क्या कहती है? पीठ वाला घोड़ा, ऊंची पीठ वाला घोड़ा। ठीक है, तो उसने घोड़े का तो पता था, अब वो अपने पुराने ज्ञान के हिसाब से नए ज्ञान को जोड़ रही है कि भाई ये तो ऐसा घोड़ा जिसकी पीठ जो है वो कुबड़ जो है वो निकला हुआ है। ठीक है, तो उसके हिसाब से वो क्या कर रहा है, क्योंकि पुराने ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान जोड़ रहा है। दैट्स वाई हम इसको क्या कहेंगे? एसिमिलेशन। ठीक है, मैं जस्ट ये दिखाना चाह रहा हूं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको लैंग्वेज को पकड़ना है, दैट्स इट। जी हाँ, अमीश यादव जी, सर मैं बिहार से हूँ, हिंदी समझ आती है। जी हाँ, मैं देखिए जो बोल रहा हूँ मैं हिंदी ही बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जो क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ वो केवल इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हिंदी में तो आप पढ़ ही सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी अगर हम पढ़ेंगे तो मैं समझा तो हिंदी में ही रहा हूँ ना, तो वो क्या हो जाता है? बाइलिंगुअल हो जाता है। जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल हो जाता है, हिंदी वाले हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल हो जाता है। ओके, तो चलिए जी शाबाश, आगे देखते हैं। जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको कहते हैं, जी हाँ अगेन, अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं, मतलब जोड़ते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? अगेन आत्मसातीकरण या एसिमिलेशन। देखिए प्रश्न कैसे आते हैं। अमीश यादव जी आप आते रहिए, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं कि आपका जो एक बेस बनता है ना टीचिंग, किसी भी टीचिंग के लिए उसकी जिम्मेदारी हमारी है, आपका जो बेस है ऐसा बन जाएगा कि आप जिस मर्जी एग्जाम में चले जाएं बिल्कुल आपका क्लियर होने वाला है। राइस स्मार्ट पे हम बिल्कुल फ्री क्लासेस दे रहे हैं, राइस स्मार्ट हिंदी पर। ठीक है, तो आपको बने रहना है रोज रात 9 से 12 बजे तक, बस आपको यही करना है और कुछ भी नहीं। ठीक है जी, चलिए आगे देख लेते हैं। ए चाइल्ड मेड ए मेंटल नोट दैट ऑल क्रिएचर्स दैट हैव विंग्स एंड कैन फ्लाई आर कॉल्ड बर्ड्स। भाई जिसके विंग्स होते हैं और जो उड़ सकते हैं उनको बर्ड्स बोलते हैं। एक ऐसा एक स्कीमा बना हुआ है, एक मेंटल नोट बना हुआ है मेंटल स्ट्रक्चर में, कुछ ऐसा है, आमतौर पे होता ही है, हमारे भी यही है। ठीक है, लेटर शी सो ए बैट, बाद में उसने क्या देखा, एक बैट को देखा भाई। ठीक है जी, तत्पश्चात चमगादड़ को देखा एक। ठीक है, अब चमगादड़ तो क्या है भाई, उड़ता है, सिंपल सी बात है, विंग्स भी होते हैं, दोनों चीजें हो गई। ठीक है, और उसे स्तनधारी कहने की बजाय पक्षी ही कहा, उसने कहा कि ये भी पक्षी है। बचपन में मैं भी ये सोचता था कि जो बैट है जो चमगादड़ है वो पक्षी होते हैं। ठीक है, इस स्थिति में ज्ञान निर्माण की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? अगेन अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज के हिसाब से वो नए ज्ञान को जोड़ रहा है, दैट्स वाई हमारा आंसर क्या होगा? समावेशन या एसिमिलेशन। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जस्ट आपको ये देखना है कि भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे चेंज हो जाती है, चीजें वही होती हैं, घूम घूम कर वही बात आती है। चलिए आगे देखते हैं भाई 21-1-2022। जी हाँ, लेटेस्ट क्वेश्चन है सारे, देख के चलेंगे।
सीइंग ए हॉर्स, अब की बारी ये घोड़े को देख रही, ठीक है, ए थ्री ईयर ओल्ड चाइल्ड एक्सक्लेम्ड वाओ सच ए बिग डॉग, है ना। अब इसको कुत्ते का पता है, पहली बार उसने जब घोड़े को देखा तो उसने कहा वाओ व्हाट ए बिग डॉग, है ना। तो अब भाई जीन पियाजे के अनुसार वो क्या कर रहा है, आंसर आपको पता है, एसिमिलेशन ही कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको डॉग का पता है, उसको हॉर्स का नहीं पता है, लेकिन फिर भी वो अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ज्ञान पर एड कर रहा है अपने नए ज्ञान को, ठीक है। तो ये क्या होगा, एसिमिलेशन। तो होपफुली आपको एसिमिलेशन के बारे में समझ में आ गया होगा, स्कीमा के बारे में समझ में आ गया होगा। अब जो इनका अगला कॉन्सेप्ट है उसको भी समझते हैं, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और वो अपना कॉन्सेप्ट है अकोमोडेशन या समायोजन, ठीक है जी। अब देखिए एक बात को समझना है, जब हम कुछ सीखते हैं तो क्या हम हमेशा सही ही चीजें सीख जाते हैं? नहीं, कई बार हम कुछ चीजें गलत भी सीख जाते हैं, जो कि हमारा एक स्कीमा बन जाता है, ठीक है। तो लेकिन जब हमें बाद में पता चलता है कि अरे नहीं भाई, ये तो ये नहीं था, ये तो ये होता है, जैसे कि हो सकता है कि अब से पहले आप स्कीमा कुछ और को ही समझ रहे हो, लेकिन आज आपको पता चला ओहो ये तो स्कीमा तो ये नहीं होता भाई, ये होता है, ठीक है ना। तो अब आपने क्या किया, आपने पुराने के आधार पर नया नहीं सीखा है, आपने पुराने ज्ञान को मॉडिफाई किया है, आपने उसको चेंज किया है, और ये जो चेंज करना है, ये जो समायोजन आपने किया है, इसी को कहा गया है अकोमोडेशन। दैट्स इट, नथिंग एल्स। जो आपके पास ऑलरेडी ज्ञान है, यदि आप उसको बदल देते हैं, आप उसको मॉडिफाई कर देते हैं, आप उसमें कुछ संशोधन कर देते हैं, आप उसका समायोजन कर देते हैं, तो उसको कहा जाता है अकोमोडेशन, ठीक है। चलिए देख लेते हैं भाई क्या लिखा है यहां पे। When the individual modifies, जी हाँ, शब्द को ध्यान से देखेंगे, मॉडिफाई करता है, ठीक है जी, परिवर्तन करता है। पहले कुछ और समझ रहा था, अब कुछ और सोच रहा है, तो इसका मतलब परिवर्तन किया, मॉडिफाई किया, चेंज किया, ठीक है। मॉडिफाइज द मेंटल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग एडिंग न्यू नॉलेज। जब कुछ नया सीख रहा था ना, कई बार हमारा माइंड अटक जाता है, यार ये मैं तो ये समझ रहा था, अब ये आ रहा है, ठीक है ना। जैसे कि मैं कहूँ कि भी उसने कहा कि वाओ व्हाट ए बिग हॉर्स, व्हाट ए बिग डॉग, है ना, घोड़े को देख के, तब अगर उसके जो फादर है अगर कहे नहीं बेटा ये डॉग नहीं है, ये तो हॉर्स कहलाता है, तब वो क्या कहेगा, नहीं नहीं, अब वो क्या करेगा, अपने जो एक स्कीमा बन गया था कि एक बड़ा कुत्ता है, उसको वो चेंज कर देगा और कहेगा नहीं ये डॉग होता है, मतलब ये हॉर्स होता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, अकोमोडेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ ए न्यू स्कीम। अब आप एक नया स्कीमा बना रहे हैं, समझिए, अब आप हॉर्स के लिए एक अलग स्कीमा बना रहे हैं जो कि डॉग नहीं है। अगर आप डॉग की ही अलग अलग प्रजातियां देखते कि भाई ये भी कुत्ता, 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 ठीक है, तो वो तो होता है एसिमिलेशन। लेकिन अब आपने कुत्ते 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 से हटके आपने देखा कि अरे ये कुत्ता नहीं है, तो हॉर्स है, ठीक है, ये तो घोड़ा है, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, एक नया स्कीमा बना दिया है। जब आप एक नया स्कीम बनाते हैं ऑन अकाउंट ऑफ इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आप समझ नहीं पाए थे कि यार ऐसे कुत्ते कैसे, ये तो भूख भी नहीं रहा है, है ना, इसका तो कान भी कुछ और से ही है, इसका तो थोबड़ा भी कुछ और से है ना। जब आप कुछ ऐसा देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, तो फिर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, फिर आप क्या करेंगे, कोई बताएगा तो कहेंगे अरे ये तो घोड़ा है, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट विद द एग्जिस्टिंग स्कीमा, जब आप एग्जिस्टिंग स्कीमा से नहीं समझ पाते तो उसको क्या करेंगे, हम अकोमोडेशन कहेंगे, ठीक है। चलिए अब जैसे कि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं भाई, आज से कुछ समय पहले, कुछ समय मतलब कुछ साल पहले तक मैं इसको पढ़ता था शेड्यूल, ठीक है, और अगर 12 खड़ी के हिसाब से इसको देखें तो इसको क्या पढ़ा जाना चाहिए भाई, सचे ड्यूले। अगर 12 खड़ी के हिसाब से मैं इसको पढ़ूं तो SCHEDULE बनता है भाई, सचे ड्यूले। लेकिन मैंने किसी से सुना कि भाई शेड्यूल होता है, शेड्यूल होता है, ठीक है जी, तो मैंने इसको शेड्यूल बोलना शुरू कर दिया, ठीक है जी। लेकिन अभी कुछ ही साल पहले मैंने सुना, ओ माई गॉड, दिस इज नॉट शेड्यूल, दिस इज स्केड्यूल, है ना। आजकल इसको क्या बोल रहे हैं, स्केड्यूल। स्केड्यूल बोल के ऐसा लगता है कि भाई बहुत बड़े अंग्रेज हो गए हम तो, ना, बहुत पढ़े लिखे हो गए, 5-7 डिग्री अपने आप ही जुड़ गई है ना, PhD वगैरह कर ही लिए हमने, है ना। तो ऐसा सा लगता है कि भाई हाँ, अब हम नाउ वी आर अंग्रेज, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो मतलब क्या है कि हम अपने पुराने ज्ञान को क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई करते जा रहे हैं, है ना, मॉडिफाई कर रहे हैं। जब पहली बार मैंने सुना स्केड्यूल तो मुझे भी लगा यार ये क्या बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब वो क्या है, फिर मैंने सुना कि अरे ये तो होता ही स्केड्यूल है, आजकल ये फैशन चल चुका है, तो भाई चलो आज के बाद हम भी स्केड्यूल बोल लेंगे, है ना। तो मतलब उसमें हमने पुराने वाली को मॉडिफाई कर दिया, है ना, कुछ नया नहीं किया, पुराने वाले को मॉडिफाई किया, ठीक है। तो चलिए भाई इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। आपके सामने प्रश्न है किसका, जीन पियाजे का, अकोमोडेशन से रिलेटेड। अगेन मैं कह रहा हूं आंसर आपको पता है, लेकिन आपको क्या पढ़ना है, लैंग्वेज को पढ़ना है, क्या है, इन जीन पियाजे थ्योरी क्रिएशन ऑफ ए न्यू स्कीम।
क्रिएशन ऑफ ए न्यू स्कीम पढ़ना है, ऑन अकाउंट ऑफ इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट विद द एग्जिस्टिंग स्कीमा इज नोन एज, आपका आंसर क्या है? शाबाश आकांक्षा गर्ग जी ने कहा ए, और जो कि है अकोमोडेशन। आप आंसर जरूर देते रहिए, यानी कि भाई आपको पता है तो आप आंसर भी ना दे, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको सच में पता भी है या नहीं पता है ना। पूजा कौशिक जी ने भी कहा है ए, ठीक है, अमीश यादव ने कहा ए, ठीक है, वेरी गुड, आप आंसर देते रहिए। थोड़ा सा पता है क्या, एक हमें पता चलता रहता है कि हाँ, एक फीडबैक आता है ना, एक रीइन्फोर्समेंट मिलता है कि हाँ आप आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं, अकोमोडेशन अकर्स व्हेन, यस कब होगा अकोमोडेशन, आप इनको पढ़ेंगे और इसका जो आंसर सबसे पहले देगा उसका नाम लिखने वाला हूं मैं यहां पर, ठीक है जी। जी बड़ा ही लंबा नाम है, जसोदा मनुमा आरजे 12 जो भी है सर जी, ठीक है जी। हाँ जी, एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन जी, थैंक यू सो मच इरफाना मुदस्सिर जी, थैंक यू सो मच आपको भी। जी हाँ, इसका आंसर देंगे जी, क्या कह रहे हैं जी आकांक्षा गर्ग, कह रहे हैं बी, दीपांशु बुधवार बी, पूजा कौशिक बी, अमीश यादव बी, और देख लेता हूँ जी मैं भी क्या है, चिल्ड्रन ट्रांसफॉर्म देयर एक्सपीरियंस टू फिट इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा, ठीक है, एग्जिस्टिंग स्कीमा में फिट करना तो एसिमिलेशन था भाई, ठीक है। आफ्टर दैट द चिल्ड्रन मॉडिफाई देयर स्कीमाज टू मेक सेंस ऑफ न्यू एक्सपीरियंस, वेरी गुड, सही जा रहा है। और भी देख लेते हैं, दो ऑप्शन जो और भी रहते हैं, द चिल्ड्रन ब्रेक डाउन देयर स्कीमाज इनटू डिस्कनेक्टिव, नहीं ये नहीं है, ठीक है, द चिल्ड्रन फोकसेस ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स रादर देन कंक्रीट एक्सपीरियंसेस, जी नहीं, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। गुरमीत कौर जी आपका भी आंसर बिल्कुल सही है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो गुरमीत कौर जी क्या आप उत्तम नगर से हैं, अगर है तो यस लिख के भेजिए, ठीक है, मैं समझ पाऊंगा कि हाँ आप वही मतलब मेरे पुराने स्टूडेंट गुरमीत कौर ही हैं। जी हाँ, हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो कि है अपना मॉडिफाई, देखिए आपने शब्द को पकड़ा होगा, मॉडिफाई करना, ठीक है, वेरी गुड जी। सबसे पहले आकांक्षा गर्ग ने आंसर किया, तो जी मैं यहां पर नाम लिख रहा हूं आकांक्षा, ठीक है जी, आकांक्षा जी वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, डेली क्लास लगा रहे हैं, और मैं दावे से कह रहा हूं कि आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत अच्छा करने वाले हैं अपनी लाइफ में। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, सीताज एबिलिटी टू मॉडिफाई हर एक्शंस ऑफ राइडिंग ए स्कूटर बेस्ड ऑन हर एक्सपीरियंस ऑन एक्सपीरियंसिस ऑफ राइडिंग ए बाइसिकल वुड बी एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, अगेन क्या रखा है जी, मॉडिफाई, मॉडिफाई, जहां पर भी मॉडिफाई आए वहां पर आंसर क्या होता है, हमेशा ही अकोमोडेशन। जी हाँ, सी जो है वही है हमारा आंसर, अकोमोडेशन। आप शब्दों को पकड़ पा रहे हैं जी, 31/12/2021 का प्रश्न है, पिछले साल का लास्ट दिन था, ठीक है, तो मतलब बिल्कुल लेटेस्ट बातें चल रही हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए शाबाश, आगे करते हैं जी, इसी साल का प्रश्न है 12/1/2022 का, और क्या आया जी प्रश्न में, शाबाश देखते हैं जी क्या है। पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है, अगेन क्या कह रहा है, इन पियाजे थ्योरी द प्रोसेस इन विच अ चाइल्ड ट्रांसफॉर्म्स एंड मॉडिफाइज, ट्रांसफॉर्म करता है और मॉडिफाई करता है हर स्कीमा टू मेक सेंस ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस इज कॉल्ड, अगेन आंसर इज अकोमोडेशन, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब हम क्या ये कह सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई जो हमारी लर्निंग होती है, जो हमारा अधिगम होता है, ठीक है, वो या तो एसिमिलेशन होगा, या तो हम पुराने के आधार पर नया सीखेंगे, या वो अकोमोडेशन होगा, एक ही तो होगा, या हम पुराने में चेंज करेंगे, ठीक है। भाई जो लर्निंग होती है, कुछ भी सीखना होता है, या तो उसमें एसिमिलेशन होगा, एसिमिलेशन मतलब कि हमने पुराने के आधार पर नए को सीखा, ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि हमने जो पुराना एक बना हुआ था उसमें कुछ मॉडिफाई किया, उसमें कुछ चेंज किया, ठीक है। इससे अलग बताना भाई लर्निंग क्या है, आज की अगर हम बात करें तो या तो हमने कुछ नया सीखा होगा, या हमने आपको कुछ मिसकंसेप्शन होगा पुराना तो आपने उसको चेंज किया होगा, ठीक है। तो ये जो चीज है इसी को हम क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं, और इन्हीं दोनों चीजों को मिलाकर एक शब्द दिया गया है, वो है अडेप्टेशन। याद रखना है अडेप्टेशन का मतलब या अनुकूलन का मतलब क्या होता है, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है अडेप्टेशन, ठीक है जी। चलिए अब लर्निंग क्या है जी, बताया है हमारे जीन पियाजे ने क्या कहा है, एसिमिलेशन इन्वॉल्व्स यूजिंग करंट स्कीम्स टू इंटरप्रेट द एक्सटर्नल वर्ल्ड, वेयर एज अकोमोडेशन एडजस्टिंग ओल्डर स्कीम्स, वही सेंस आ रही भाई, इसमें ओल्डर स्कीम्स को हम एडजस्ट करते हैं और इसमें क्या करते हैं, करंट स्कीम्स को एड करते हैं,
ठीक है, लर्निंग ये है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। चलिए जी, ये 12/1/2021 का क्वेश्चन है भाई, ये ज़्यादा नहीं, 12/1 है तो फिर ये 2022 ही है ना, 12 जनवरी 2022 का प्रश्न आपके सामने है ना। तो क्या कह रहे हैं जी, इन जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द टू कम्प्लीमेंट्री प्रोसेसेस ऑफ अकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन आर ए पार्ट ऑफ। इजी क्वेश्चन, इजी आंसर, जल्दी से आंसर दीजिए, क्या होगा इसका कि भाई एसिमिलेशन और अकोमोडेशन किस में आकर मिलते हैं, मतलब दोनों मिलकर क्या बनाते हैं। पूजा कौशिक जी ने आंसर दिया, ए दीपांशु बुधवार जी ने भी दिया, ए अमीश यादव ने दिया ए, और जी हाँ हमारा आंसर भी है ए, जो कि अभी हमने पढ़ा था, क्या अडेप्टेशन बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, नथिंग एल्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट चेंज टेक्स प्लेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक कॉग्निटिव फंक्शंस। कैसे होती है भाई हमारी डेवलपमेंट, शाबाश, क्या होगा आंसर, डेवलपमेंट कैसे होगी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात चल रही है, लर्निंग की बात चल रही है, और वो कैसे होगी, या तो एसिमिलेशन होगा या अकोमोडेशन होगा, और दोनों को मिला के अडेप्टेशन बोलते हैं। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है जी, अगला प्रश्न देखते हैं। इस पर जीन पियाजेस थ्योरी Adaptation involves two complementary activities. Again वही आंसर, सेम क्वेश्चन, इसमें अंदर क्या आ जाएगा हमारा, अगेन आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, accommodation and assimilation. ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न से पहले एक देख लेते हैं भाई, एक चीज आई ऑर्गेनाइजेशन। मैंने कहा ना कि छह कॉन्सेप्ट थे, फिफ्थ कॉन्सेप्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जीन पियाजे ने क्या कहा, इट इज द प्रोसेस ऑफ रीअरेंजिंग स्कीमास, जो आपके स्कीमास जो बने हुए हैं उनको आप रीअरेंज करते हैं, जैसा कि आप अकोमोडेशन में करते हैं, रीअरेंजिंग स्कीमास एंड लिंकिंग देम। आपके दो अलग अलग स्कीमा है, मान के चलिए आप उनको रीअरेंज करके लिंक कर देते, ये चीजें तो एक ही है। ठीक है ना, मतलब आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, शब्द ही आपका दिख रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं चीजों को, जो आपके ऑलरेडी बने हुए स्कीम्स हैं उनको आप संगठित कर रहे हैं, और उसको क्या कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन या संगठन विद अदर स्कीम्स टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्गली इंटरकनेक्टेड कॉग्निटिव सिस्टम। देखिए, जब हम चीजों को पढ़ते हैं, जैसे कि हम पैडागोजी को पढ़ते हैं, हम CDP को पढ़ते हैं, और जब गहराई में जाते हैं ना, मुझे आज लगता है कि सब चीजें एक ही हैं, लिटरली मुझे लगता है कि सब चीजें घूम के एक ही हैं। आपने एक चीज को समझा, आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं ये कहता हूं कि ये, लेकिन गहराई में जाने के बाद आप ऊपर से देखेंगे, आपको सागर की लहरें अलग अलग दिखाई देंगी, लेकिन जब हम डुबकी लगाते हैं ना, तो लहरें अलग नहीं है, वो लहरें एक ही हैं। ठीक है, तो वही बात है कि ज्ञान भी कुछ ऐसा है, जब हम अंदर जाते हैं तो वो सारा समान हो जाता है। ठीक है, तो वही है कि भाई हम क्या करते हैं, इंटरकनेक्टेड कॉग्निटिव सिस्टम बना लेते हैं, वेरियस स्कीम्स को मिलाकर संगठित कर लेते हैं, वही होगा हमारा संगठन। और इसके ऊपर देखिए आंसर क्वेश्चन बना है, रीअरेंजिंग स्कीमा लिंकिंग द मीच अदर स्कीमा टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्गली इंटरकनेक्टेड कॉग्निटिव सिस्टम, क्या कहलाता है जी, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रखना है आपको, प्रश्न बन चुका है ये। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन क्या होता है, इक्विलिब्रेशन होता है जी साम्य धारण या संतुलन। जहां पर भी संतुलन की एक सेंस आएगी, आपका आंसर हमेशा ही क्या होगा, इक्विलिब्रेशन, इक्वल करना, संतुलन करना है ना, इक्वल करना। ठीक है जी, क्या कह रहा है, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्राइकिंग ए बैलेंस, शब्दों को पकड़ के चलेंगे, बैलेंस बनाना, अगेन संतुलन बिटवीन अकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन। जब हम अकोमोडेशन करते हैं और एसिमिलेशन करते हैं, उसके बीच में एक बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, एट द प्रेजेंस ऑफ न्यू सिचुएशन, जब हमारे साथ कुछ नई सिचुएशन आती है तो हम क्या करते हैं, एक बैलेंस बनाते हैं। इंडिविजुअल्स मेंटल स्टेटस बिकम इम्बेलेंस, क्या होता है, जब हमारे सामने कुछ समस्या आती है ना, तो हमारा माइंड क्या हो जाता है, डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है, मतलब डिसइक्विलिब्रेशन हो जाता है, मतलब हमारा इम्बेलेंस हो जाता है। कई बार हमें लगता है, जैसे कि अभी बच्चे का एग्जाम्पल आया था कि भाई इतना बड़ा कुत्ता जब घोड़े को देखा तो उसका माइंड क्या करेगा, एक बार के लिए इम्बेलेंस हो जाएगा, यार इतना बड़ा कुत्ता है भी या नहीं है, ये भोग भी नहीं रहा है ना, कुत्तों वाले लक्षण भी नहीं लग रहे, इसके पैर भी कुत्तों के नहीं है, है ना, हो सकता है कि उसके माइंड में डिसइक्विलिब्रेशन आ जाए। ठीक है, अब फॉर अवॉइडिंग दिस इम्बेलेंस, अब वो क्या करेगा, इसको या तो रिलेट करेगा कुत्ते के साथ, या फिर वो किसी से पूछेगा कि ये कुत्ता है या घोड़ा है या गधा है, घोड़े का तो उसको पता ही नहीं है, ये कैसा कुत्ता है, वो पूछेगा। अब जब कोई इसको बता देगा, नहीं बेटा ये कुत्ता नहीं, इसको घोड़ा बोलते हैं, अब वो क्या करेगा, एक उसके दिमाग में क्या आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा, उसके माइंड में क्या आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा, और यही बैलेंस, इसी बैलेंस की सिचुएशन को क्या कहा जाता है, इक्विलिब्रेशन कहा जाता है। ठीक है जी, जब उसके माइंड में बैलेंस आ जाता है तो हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रेशन आ गया है, अब उस चीजें क्लियर हो गई हैं, अब उसको पता चल चुका है कि कुत्ता अलग होता है, घोड़ा अलग होता है। ठीक है, तो भाई ऐसा कुछ है इक्विलिब्रेशन। ठीक है,
तो जैसे कि मैंने कहा कि भाई, जैसे कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा इस शब्द को, मैंने पढ़ा नेचर को, तो मैंने पढ़ा था ना टूरे, क्योंकि इसकी स्पेलिंग ही ये होती है, NATURE, ठीक है जी। मैंने पढ़ा ना टूरे, और फिर भाई जब मुझे बाद में पता चला, क्योंकि मैं तो 12 खड़ी के हिसाब से देख रहा था, बाद में मुझे पता चला नहीं ये तो नेचर है, तो मैंने क्या किया, इक्विलिब्रेशन बना लिया कि हाँ नेचर होता है ये, नाटूरे नहीं होता है, ठीक है। तो भाई ये क्या था, पहले डिसइक्विलिब्रेशन नियम आया, फिर उसके बाद में इक्विलिब्रेशन हुआ। अब एक देख लेते हैं भाई, जब भी हमारे सामने कोई नई सिचुएशन आती है, कुछ भी नई सिचुएशन आती है, तो क्या होगा, डिसइक्विलिब्रियम आ जाएगा, डिसइक्विलिब्रेशन आ जाएगा, मतलब माइंड जो हो इम्बेलेंस हो जाएगा, यार ये चीज ठीक है या गलत, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होगा, हमारा जो दिमाग होगा वो अडेप्ट करेगा। अडेप्ट करने का मतलब क्या है, या तो एसिमिलेट करेगा या वो अकोमोडेट करेगा, या तो एसिमिलेट करेगा अपने नए पुराने के आधार पर नया सीख लेगा, या पुराने को चेंज कर देगा, नहीं भाई इसमें ऐसा नहीं, इसमें ऐसा होता है, ठीक है। वो क्या होगा, अडेप्टेशन होगा, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, हमारे माइंड में इक्विलिब्रेशन आ जाएगा, हमारा माइंड बैलेंस हो जाएगा, और फिर से हमारे माइंड में क्या आ जाएगी, कोई एक नई सिचुएशन आ जाएगी। तो ये साइकिल ऐसे चलती रहती है, नई सिचुएशन आती है, डिसइक्विलिब्रियम आता है, उसके बाद में हम अडेप्ट करते हैं, फिर इक्विलिब्रेशन आ जाता है, और फिर से कुछ नई चीज़ हमारे सामने आती है, तो हम ऐसे ही चीज़ों को सीखते जाते हैं, सीखते जाते हैं, सीखते जाते हैं, और सीखते ही जाते हैं। आंसर दीजिए जल्दी से, अब देखते हैं कौन है सबसे ज्यादा तेज। इन पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी द प्रोसेस ऑफ सर्च फॉर बैलेंस बिटवीन, शब्द साफ साफ दिया गया है बैलेंस, ठीक है जी। बैलेंस बिटवीन सेल्फ एंड द वर्ल्ड इज रेफर्ड टू, क्या कहलाएगा जी, अगर बैलेंस आ गया है तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, जो है इक्विलिब्रेशन। मैंने कहा ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है जी। 8/1/2022 को आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे एन ऑनगोइंग प्रोसेस विच रिफाइंस एंड ट्रांसफॉर्म्स मेंटल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, जो रिफाइन करती है और ट्रांसफॉर्म करती है मेंटल स्ट्रक्चर को, मतलब जब मेंटल स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आती है तो उसको रिफाइन कर देती है, उसको साफ कर देती है, क्या होगा हमारा आंसर, इक्विलिब्रेशन। वेरी गुड जी, सबसे पहले आंसर आया है पूजा कौशिक का। दीपांशु बुधवार जी, इसका आंसर सी नहीं होगा, इसका आंसर डी होगा। गुरमीत कौर, आकांक्षा गर्ग, इरफाना मुदस्सिर, दीपांशु बुधवार, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है डी, इक्विलिब्रेशन, रिफाइन करना, ठीक है जी, परिष्कृत करना, ठीक है, ठीक है। तो भाई आज की क्लास को हम, समय हो चुका है हमारा पूरे 12:01 हो चुके हैं, मैं आपके साथ जाग रहा था और आप भी मेरे साथ जागे, उसके लिए थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे हम 11 से 12 बजे, और ये जो हमारा हफ्ता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स हम करेंगे इसमें, और मैं दावे से कह रहा हूं कि यदि आपने इस हफ्ते केवल एक हफ्ते भी मेरी क्लास लगा ली, तो मैं दावे से कह रहा हूं कि आपके कम से कम 5 से 6, कम से कम 5 से 6 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो आपको बने रहना है राइस स्मार्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राइस स्मार्ट हिंदी पर, मेरे यानी संजीव आर्य के साथ। तो कल मिलते हैं ठीक 11 से 12 बजे, और उससे पहले क्लास होगी साइंस पेडागोजी की, जो आपके लिए यूजफुल रहेगी। अगर आप पेपर वन के लिए भी हैं तब भी ईवीएस पेडागोजी के लिए वो बहुत यूजफुल क्लास रहेगी। तो पहले 9 से 10 मिलते हैं, उसके बाद 10 से 11 क्लास होगी राहुल सर की, एंड अगेन 11 से 12 मैं रहूंगा सीडीपी में आपके साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।